कर ली थी। गिर रहा, अभी स्लाइडिंग हो रहा है। कल रात बंगापानी तहसील में भारी बारिश, बादल फटने से जौलजीबी मुनस्यारी पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में चामी के पास एक बड़ा बीआरओ का पुल बह गया है। उसके साथ ही कई पैदल पुलिया जो ग्रामीण को जोड़ते हुए पुल भी बह गए हैं। मोरी में जो है 3 घर दबने की सूचना है और बगीचा बगर में 20 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। और लुमती में जो है पूरा गांव खतरे के जद में आ गया है। वहां पे जो है लोग जो है भागकर अपनी जान बचा रहे हैं और साथ ही प्रशासन की टीम अगर वहाँ मदद के लिए जाना चाहता है तो उनके लिए भी वहाँ पर रास्ता नहीं है। इसलिए बोरीसार क्षेत्र में जो है तत्काल 2 हेलीकॉप्टर सरकार को मदद के लिए जो है देना चाहिए। अभी पूरे बोरीसार एरिया में 100 से अधिक गांव जो है प्रभावित हो चुके हैं। जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय से इनका जो है संपर्क पूर्ण रूप से कट गया है। इसलिए उत्तराखंड सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि बोरीसार क्षेत्र बंगापानी तहसील में राहत और बचाव कार्य तेजी से लाया जाए। वहाँ पे लोग जो है आपदा से भयभीत हैं कि बारिश और आज सुबह की बारिश के कारण दबानी के दयानंद मिश्रा जी का जो मकान खतरे की जद में था, ग्राम सभा मवानी दबानी के सम्मानित ग्राम प्रधान, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य, सम्मानित सभी युवा वर्ग, ग्राम सभा के निवासियों ने अथक प्रयास से आज बड़ी मुश्किल, जब बारिश रुकी 4 बजे के बाद, तो बीमार दयानंद जी जिनकी उम्र 80 साल के करीब है, उनको इस विकट परिस्थितियों में इस रास्ते से रेस्क्यू के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया है। और गांव वालों का कहना है कि कम से कम मवानी दबानी क्षेत्र के अपने पूरे ग्राम सभा में 70 से 75 परिवार आपदा के जद में है और खतरे में है। और ग्रामीणों का कहना है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इन परिवारों को जल्दी से जल्दी जो है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। इसके लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, संबंधित ग्राम प्रधान, संबंधित क्षेत्र पंचायत सदस्य, संबंधित क्षेत्र के लोगों द्वारा एक अभियान चलाया गया है। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति सब जगह सड़क क्षतिग्रस्त होने से यहाँ नहीं पहुँच पाया है और लोगों की ये मांग है कि सरकार उनका पुनर्वास करे, उनको सहायता दे। न्यूज पीटीएच, भगत मेहरा, मौनी दवानी। लेके धुपवा से होते हुए ढापा में पहुंचे हैं और ये गांव की जो हालात आज बना हुआ है, पूरा गांव जो है भूसंगलन से बिल्कुल एकदम मौत के जब मुंह में यहां के लोग बसे हुए हैं। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो तत्काल प्रभाव से जो है इस गांव को तत्काल, जो भी 130 परिवार इस गाँव में रह रहे हैं उनको पुनर्वास करें। अगर पुनर्वास के लिए उनके पास अगर तराई में जमीन नहीं है तो इनको एक जो है पैकेज के रूप में पैसा दे दिया जाए कि भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं और आप अपने लिए जहाँ पर सुरक्षित जगह है वहाँ पर अपना भवन निर्माण करें। तो उनको एक पैकेज देकर इनको जो है पुनर्वास करने का काम करें, क्योंकि कई वर्षों से गांव के लोग जो है आपदा की चपेट में हैं। लेकिन इस बार तो ऐसी स्थिति हो गई है कि वो तो भगवान की कृपा से लोग बच गए हैं लेकिन गाँव हमारा नहीं बचा है। पूरा गाँव कहीं से कहीं रहने लायक नहीं है। और मैंने अभी इस संबंध में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को भी कह दिया है और उपजिलाधिकारी मेरे साथ हैं और कल परसों हमने भूवैज्ञानिक की टीम बुलाई है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि तत्काल सीमांत क्षेत्र की जनता की इस पीड़ा को देखते हुए इनको पुनर्वास करने की कार्रवाई करें। सर, आज आपका मुनस्यारी विजिट है, इसमें सर आप आज क्या क्या कहां कहां विजिट किया और सर क्या क्या एक्शन इस पर ले रहे हैं आज आप? जब मुनस्यारी में जो विगत दिनों में जो बारिश हुई है, इस बारिश से जितना भी नुकसान हुआ है इसको देखा गया। कल मुंशे पिथौरागढ़ से आते समय पूरे रोड को देखा गया, मुनस्यारी बाजार को देखा गया तथा आज लोगों के जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई, फीडबैक लिया गया। तो नुकसान तो हुआ है, अभी हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी कि मुख्य सड़कें पहले कनेक्टिविटी में आ जाएं, उसके बाद पेयजल, जो गांव की रास्ते जो हैं इनको हम कनेक्टिविटी में लेंगे।
और राशन और खाने पीने की चीज़ों के बारे में जो फीडबैक लिया गया, तो नवंबर तक जो है हमारा राशन बटा हुआ है, और इसके बाद भी यदि किसी को कोई ज़रूरत होगी तो उसके लिए हमारी खाद्य विभाग की टीम तैयार है, और जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ेगी हमारे वीडियो साहब, हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पर जो है बराबर नज़र रखे हुए हैं। एक SDM हम यहाँ पर बुला रहे हैं जो है इस बीच में इन कार्यों को देखेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि मुख्य सड़कें प्राथमिक तौर पर प्राथमिकता के आधार पर जुड़ें, और उसके बाद गांव की सड़कें तुरंत उसके बाद गांव की सड़कें जुड़ें, ताकि लोग जो है परेशानियों का सामना न करें।